नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं कल के लिए मतलब 5 सितंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है। उसका बाइसल लेवल आप लोग देख सकता है भाई, मतलब बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। और सेल का लेवल भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। और इसमें आप लोग गैप अप गैप डाउन भी कंसीडर कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग और मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना हिसाब से कर लेंगे इंट्राडे का हिसाब से। और इसका अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल आप लोग ट्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकता है। ये इस साइड में रहेगा, इसके अंदर रहेगा तो इस साइड में रहेगा और इसका नीचे रहेगा तो इस साइड में रहेगा। और मैंने आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देखा था हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। उसका लेवल अब दिखाता हूँ कौन सा एंट्री लेवल होगा और कौन कितना टारगेट हो सकता है कौन सा लेवल से। और मेरा ये जो फाइल है इसमें जितना सारा एपनो स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है और जितना एपनो स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है। आप लोगों को ये एंड ऑफ द डे मैंने शेयर कर सकता हूँ, आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो मतलब ये बाय सेल से आप लोग जितना प्रॉफिट आप लोग को होगा तो उसके उसका थोड़ा सा शेयर करना है, कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। मैंने एंड ऑफ द डे अपडेट करूँगा, पूरा फाइल भेज दूँगा और लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल आप नोट कर सकता है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, वही बाई आप लेवल बीच में टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। सेल एंट्री लेवल बीच में टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। इसका अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर लेंगे। और हम लोग को कुछ मतलब फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ, आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कमोडिटी का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको भी आप लोग गैप अप गैप डाउन कंसीडर कर सकते हैं, गैप अप गैप डाउन कंसीडर कर सकते हैं और इंटरडे का हिसाब से टारगेट स्टॉप रखेंगे। बट ये सब चीज़ लाइव मार्केट में अपडेट करने को पड़ेगा तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो ठीक है लाइव मार्केट मतलब मार्केट का ओपनिंग में आप लोग को कम पे आएगा। और ये आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे मैंने लिखा है इधर, और जो मैंने बोला ट्रेड का रूल्स वो आप इधर से नोट कर सकते हैं। और मैंने ये मेरा ये चार्ट का सेटअप है, ये आप मैंने जो इंडिया वुल हाउसिंग फिनेंस का जो निकला है ये वन डे चार्ट में आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें चार्ट का सेटअप से मेरा जो सिग्नल निकलेगा वो भी व्हाट्सएप पे मिलेगा आप लोग को। मेरा कुछ टेक्निक है या स्टॉक्स चुनने का, ये फाइल तो दे दूँगा ही, उसके बाद ये स्टॉक्स पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स चुन के 4-5 स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स चुन के व्हाट्सएप में आप